किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप। धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों के देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों के समृद्धि के साथ रखती है लोगों के सेहत का ख्याल। तभी तो कोपल कहता है, आप रखें किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, शुद्ध खाओ, स्वस्थ रहो। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर चिरकुंडा नगर परिषद द्वारा शुक्रवार से 2 दिवसीय लोन मेला का आयोजन चिरकुंडा स्थित टाउन हॉल में आयोजित किया गया, जहां धनबाद के अग्रणी बैंक प्रबंधक राकेश कुमार सिन्हा, कार्यपालक पदाधिकारी विनोद कर्मकार, नगर परिषद के अध्यक्ष डब्लू बाउरी एवं उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह मुख्य रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। अग्रणी बैंक प्रबंधक राकेश कुमार सिन्हा ने नगर परिषद क्षेत्र से बड़ी संख्या में पहुंचने लोगों को बताया कि इस 2 दिवसीय लोन मेले से आम लोगों को इसका कितना लाभ मिलने वाला है। उन्होंने बताया कि 2 दिवसीय शिविर में क्षेत्र के सभी बैंकों ने अपना अपना स्टॉल लगाया है और रोजगार से जुड़ने को लेकर सभी बैंक विभिन्न योजनाओं के तहत लोन देने का काम करेंगे, जिससे कि आप आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। वहीं अध्यक्ष डब्ल्यू बाउरी ने बताया कि कई स्वयं सहायता समूह एवं स्थानीय लोगों को आज लोन देने का काम बैंकों द्वारा किया गया है, जिसका वितरण भी किया गया। श्री बाउरी ने कहा कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर लोन मेला लगाने का उद्देश्य ही क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। वहीं उन्होंने कहा कि इस मेले में छोटे कारोबारी ठेला खोमचा वालों को भी लोन देने का काम किया जा रहा है। रोजगार को बढ़ावा देना और स्वरोजगार पैदा करना ही इस मेला का लक्ष्य है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा की संख्या में पहुंचकर इस मेले का लाभ उठाने का काम करें। ये अमृत महोत्सव आज़ादी का कालखंड में अमृत महोत्सव का जो लोन मेला लगा है, ये 2 दिवसीय है और 2 दिन का मेला है। 2 दिन का मेला में इतना ही नहीं, खाली यहाँ का लाभ को लाभ मिलेगा। 2 दिन के बाद भी अगर फॉर्म जनरेट होता है तब भी मेरे ऑफिस में जनरेट करवा सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम यहाँ से 50 लाख 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक लोन डिसबर्स हो, क्योंकि यहाँ के बैंक जो है एक एक बैंक 200 करोड़ टर्नओवर है साल का, तो उसका तो कुछ तो बनता ही है कि यहाँ का डेवलप करने के लिए, यहाँ के क्षेत्र को डेवलप करने के लिए कुछ यहाँ अनुदान करे, यहाँ का लोन को दे, यहाँ का आर्थिक को सुधारे। इसी के निमित्त ये 2 दिवसीय लोन मेला लगाया गया और लोन मेला में चिरकुंडा वासी को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और मिल ही रहा है। और हम लोग चाहेंगे जनप्रतिनिधि होने के नाते, चेयरमैन होने के नाते, कि सबको रोजगार से जोड़े, छोटे से छोटे फुटपाथ विक्रेता से लेके वेंडिंग जोन से लेके सारा चीज सबको, चाहे पीएमजीपी का लोन हो चाहे सीएमजीपी का लोन हो, सभी को लाभ मिले। इसी निमित्त ये 2 दिवसीय मेला लगाया गया।